तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे लाइट के एक दूसरे इफेक्ट की, जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटर होना मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्प्रेड होना, बिखर जाना, या कई लोग लखनऊ की भाषा में बोलते हैं छितर जाना, छितरना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट कहीं पड़ती है और वेरियस डायरेक्शन में वो छितर जाती है, वेरियस डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाती है ना। जैसे सपोज करिए एक लाइट, ऐसे कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, स्टोन समझ लीजिए, और पानी छपाक से मार दें यहाँ, तो पानी क्या होता है, बहुत सारे डायरेक्शन में चला जाता है ना। इसी तरीके से लाइट क्या होती है, अगर किसी पार्टिकल पे पड़ती है तो देयर इज ए वेरी वेरी फेयर चांस कि वो यहाँ से कई डायरेक्शंस में निकल जाए। इसे बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिखर जाना, छितर जाना, स्प्रेड हो जाना। ठीक, तो इसी बात को समझते हुए लिखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। जब वो लाइट पड़ती है तो पड़ने के बाद रैंडम डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो सकती है, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस स्कैटरिंग के कई रिजल्ट्स भी हमको मिलते हैं, कई एक नेचुरल फिनोमिना में भी मिलती है, वो भी हम देखेंगे अभी। इसके बाजू में एक इफेक्ट पड़ना पड़ता है या जरूरी है पड़ना, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जंगलों में अगर आप डीप जंगल में हो, जहाँ अंधेरा हो, सुबह सूर्योदय हो, तो रोशनी कुछ ऐसे दिखती है जैसे झरोखों से आ रही है, या कभी घर में ही अंदर अंधेरा सा हो तो रोशनदान से लगता है रोशनी दिखती है कैसे चल रही है, जबकि रोशनी चलते हुए कोई पाथ आपको नज़र नहीं आ सकता, उसको कोई पाथ नहीं है, पाथ तो है आपको नज़र नहीं आता। या कभी फिल्मों में देखिए तो जेल में जब होता है, सुबह उठती है तो जो कैदी देखता है तो झरोखों से लाइट आती दिखती है, कई बार दिखाते हैं। तो वो क्या है कि लाइट के रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस पर लाइट टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है, तो हमको उसका पाथ नज़र आता है। लाइट इज मूविंग और उसकी डायरेक्शन में कई पार्टिकल्स पड़ेंगे तो उससे टकरा के बिखरती चली जाएगी लाइट, तो वो डायरेक्शन सा दिख जाता है कि हाँ भाई लाइट ऐसे आ रही है, एक बीम ऑफ लाइट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये यही चीज़ कहलाती है टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। रोशनी ऐसे चल रही है, या खिड़की या जंगल कुछ भी बोले, अगर ये खिड़की समझ लीजिए, यहाँ से सूरज है, सूरज की रोशनी आई तो यहाँ से जब ऐसे जाती है तो आप देख तब पाते हैं जब इसके बीच में धूल वूल के पार्टिकल्स रहते हैं, उससे टकरा के लाइट स्कैटरिंग में जाती है, तो हमको दिखता है कि झरोखों से लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है ना, अब इस कमरे में देखिए लाइट जल रही है ना, एज सच, तो क्या हमें इसका पाथ नज़र आ रहा है कि वह जू जहाँ एरो निकल रहे हैं उसे, ऐसा कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, वो तो एक स्प्रेडिंग दिख रही है। लेकिन अगर यही अंधेरा हो, बाहर की रोशनी अंदर आए, तो धूल के कणों से स्कैटरिंग होती है और दिखाई पड़ता है कि झरोखों से सीधी सीधी चली आ रही, कुछ कनेक्शन हो पा रहा है। अब इसी बात को जो टिंडल साहब थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बातें स्पेशल कहीं जो हमें समझ में आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली देखी भी, कि टिंडल डिस्कवर्ड दैट व्हेन वाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सेवन कलर्स इज पास थ्रू ए क्लियर लिक्विड हैविंग स्मॉल पार्टिकल्स suspended particles in it, then the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color having longer wavelength. तो देखिए ये जो बात थी ना, आप ऐसा समझिए, एक्सपेरिमेंट भी आपके पास है वैसे, कि सपोज करिए कोई ऐसे सोल्यूशन है क्लियर, और उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसी चीज़ मिक्स की गई है जिसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, तो यहाँ से जब आप लाइट थ्रो करेंगे ना, तो लाइट पढ़ के आगे निकलेगी, तो इस समय यहाँ पर क्या होता है, ये पानी हमको नीला नीला दिखने लगता है। पानी का कलर कौन सा होता है, कोई कलर थोड़ी होता है पानी का, पानी कलरलेस है, वाटर इज कलरलेस। तो यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि इस लाइट पर इस जो पार्टिकल इज सस्पेंडेड, इससे टकरा कर लाइट स्कैटर्ड होती है, और जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ लंबी होती है, इसलिए रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे भी कि यहाँ पर अगर फोकस कर देंगे कोई लेंस वगैरह लगा के, तो यहाँ पर रेड स्पॉट दिखता है आपको, रेड, और यहाँ दिखता है ये ब्लू कलर का पानी दिखता है, तो ब्लू स्कैटर्ड हो गया। व्हाइट लाइट थी, इसमें 7 कलर थे मोटे मोटे, ब्लू ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया, रेड एकदम नहीं हुआ, तो रेड पूरा पूरा पहुँचा तो रेड नज़र आने लगता है जो बचा, और जो स्कैटर्ड हो गया ब्लू, तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कुछ बात समझ में आई। अभी जो स्कैटरिंग है ना, ये साइज ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है, कि पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है।
जो वेव पड़ रही है जिस पार्टिकल पर, वो साइज का, उस पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है इस पे स्कैटरिंग डिपेंड करती है। बड़े पार्टिकल में कुछ दूसरे तरह से स्कैटरिंग हो सकती है और छोटे पार्टिकल में कुछ दूसरे तरह से स्कैटरिंग हो सकती है, उसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्कैटरिंग होती है ना लाइट की, वो स्कैटरिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जिस पार्टिकल से वो टकरा रहा है लाइट, उस पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है, साइज छोटा है कि बड़ा। ये साइज स्कैटरिंग होने के स्वभाव में परिवर्तन लाता है। क्या परिवर्तन लाता है उसका जिक्र करते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली दो चार तरह के आइटम ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जैसे कि बिग पार्टिकल्स या लार्जर पार्टिकल्स, इसमें क्या पाया जाएगा बेटा, धूल के कण, डस्ट, धूल, या वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की, पानी की कुछ बूंदे सस्पेंडेड फॉर्म में, है ना। ये एटमॉस्फेयर में बड़े पार्टिकल की तरह बिहेवियर रखते हैं। और छोटे पार्टिकल कौन से होते हैं, जिसे आप स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते हैं या माइन्यूट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। माइन्यूट पार्टिकल्स ये होते हैं गैस के पार्टिकल्स, गैस मतलब एयर। एयर में कैसे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब के पार्टिकल्स, एटम्स। ठीक है, छोटे हैं। तो जब ये बड़े पार्टिकल से, बिग पार्टिकल सपोज करिए लाइट यहाँ पे पड़ती है, ऐसे लाइट पड़ी बड़े पार्टिकल्स पर, तो क्या होता है कि इस लाइट की स्कैटरिंग हर जगह हो जाती है। ये लाइट पड़ी और ऐसे भी चली गई, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में। और जो 7 कलर्स थे इसमें, नॉर्मली समझिए वाइट लाइट थी, सनलाइट भी बोल सकते हैं, जिसमें 7 कलर्स थे, तो ये सातों के सातों का स्कैटर होने का बिहेवियर एक जैसा रहता है। यानी जहाँ भी ये स्कैटर हुए एक साथ हो गए, तो कोई भी रंग ना घटा ना बढ़ा। तो आपको वाइट लाइट अगर स्कैटरिंग से पहले थी, तो जितनी भी स्कैटर्ड होकर लाइट मिली वो कैसी नजर आई, वाइट, क्योंकि सब में सातों कलर पाए जा रहे हैं। किसी की स्कैटरिंग ना ज़्यादा हुई और किसी की ना कम हुई, क्या समझ में आई बात। अब इसकी जगह अगर आपके छोटे पार्टिकल्स हैं जिसकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से मैच करती है आसपास, वहाँ पे स्कैटरिंग अच्छी होती है, तो वहाँ पर जब ये पार्टिकल पड़ता है, तो जब इसकी स्कैटरिंग होती है बेटा, जब ये बिखरता है, तो उस समय जो ब्लू कलर की लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होती है और रेड कलर वाली कम होती है। इसमें ज़्यादा स्कैटरिंग जो होगी वो ब्लू कलर की ज़्यादा होगी, हाई स्कैटरिंग और रेड कलर की लो स्कैटरिंग। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो इस समय जब ये ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, रेड की कम होगी, तो इसके आसपास का एरिया कैसा दिखेगा, ब्लूइश, क्योंकि ब्लू ज़्यादा स्कैटर कर गया और रेड कम किया उसके कंपैरिजन में। जबकि यहाँ क्या हुआ था, जो लाइट पड़ी थी 7 कलर लेते हुए, सातों की स्कैटरिंग एक जैसी थी, यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो कलर में परिवर्तन हो गया ना, ये साइज की वजह से स्कैटर्ड वाली लाइट में रंग देखने का मौका मिला। अगर ये बड़ा साइज है पार्टिकल का वाइट ही रह गया, स्कैटर्ड लाइट वाइट। और अगर ये पार्टिकल का साइज माइन्यूट है, छोटा है, तो जो स्कैटर्ड होने के बाद लाइट मिली वो कैसी, ब्लूइश कह सकते हैं। गैसेस में एटम्स होते हैं ना, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होता है, उस डायमीटर की बात की जा रही है, उस रेडियस की बात की जा रही है कि उसका जो वेवलेंथ है लाइट का, लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ोगे आगे, पढ़ा भी था इसमें थोड़ा सा, तो उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो वो वेवलेंथ अगर अपने ऑर्डर की मिल जाती है, तो वहाँ पर स्कैटरिंग इस तरह की होने लगती है। और अगर उसकी वेवलेंथ से बड़ा है कोई साइज, तो सारे का सारा स्कैटर हो जाता है। ऐसे ही समझो जैसे आपको ठोकर लगती हो छोटे पत्थर से और बड़े पत्थर से। अब आप जा रहे हैं बड़े से पत्थर से टकरा के, तो लड़बड़ा के गिर पड़ो, हम आपसे भयानक टाइप का वेवलेंथ, और आपके बाजू बाजू पत्थर है मान लो, तो टकरा के पलटी खा जाएंगे। चल रहे हैं मान लो, स्टोन इतना बड़ा पड़ा हुआ है, पैर के पास, टक्कर का है, धड़ाम से लुढ़क गए,
तो पत्थर के साइज से आपका टक्कर खाने के बाद होने वाले इफेक्ट में परिवर्तन आ गया है ना, क्योंकि वो जो पत्थर था वो छोटा था, आपकी वेवलेंथ से काफ़ी के ऑर्डर का था, तो टकरा के आप छलांग लगा गए, एक तब पर्वत, तो पर्वत से टकराएंगे तो कहाँ जाएंगे, खड़ा आप से रुक जाएंगे तो यही काम समझ लो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ कनेक्शन बना। वही वायलेट ब्लू सब एक समझो, इधर वायलेट कलर अलग होता है ब्लू अलग, लेकिन जब ब्लू बोलते हैं ना तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ब्लू वायलेट एक ही पकड़ के चलो दिखता ब्लू ब्लूइश है अपने को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वायलेट ही होगा ब्लू कह देगा मुझे नहीं जाना, ब्लू भी चल पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि आसपास की वेवलेंथ है तो दिखाई ब्लू पड़ता हमें, कुछ समझ में आया। तो ये क्या बातें लिखी, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये जो स्कैटर्ड होकर लाइट मिली, ये 1 2 3 4 गौरी जी, इस लाइट का रंग, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, इसका रंग इस पर डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज क्या है, करता है ना, इन द एटमॉस्फेयर, कहाँ मिलेगा एटमॉस्फेयर में, पहला द लार्जर पार्टिकल ऑफ डस्ट, ये डस्ट वाला, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट एज सच ड्यू टू विच द स्कैटर्ड लाइट ऑल्सो अपीयर्स वाइट, यहाँ पर जो स्कैटरिंग हुई ये वाइट लाइट थी लिखा हुआ है, और यहाँ मिलने वाली भी सारी लाइटें कैसी हैं, वाइट, क्योंकि सबकी स्कैटरिंग एक जैसी हुई, जबकि इस केस में द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स सच एज द एयर मॉलिक्यूल्स, ये एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड मेनली द ब्लू लाइट, मेनली क्या है ब्लू लाइट स्कैटर्ड करेगा, प्रेजेंट इन द वाइट लाइट, बिग पार्ट प्रेजेंट इन द वाइट लाइट, ये यहाँ पर आने वाली कौन सी लाइट थी बेटा, वाइट लाइट, लेकिन जो निकलती हुई ज्यादा दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, ब्लूइश, क्योंकि ब्लू या वायलेट की वेवलेंथ कम होती, वायलेट को भी स्कैटर होगी लेकिन वो दिखता कैसा है ब्लू, इसलिए ब्लू बोल देते हैं, क्योंकि साइंटिफिक भाषा में वायलेट ब्लू में एक जैसे ही समझ के चल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। रेड बहुत दूर है, रेड नहीं डिविएट होता, इसकी स्कैटरिंग कम होती है, जब स्कैटरिंग कम होगी तो इससे निकलेगा नहीं, कम निकलेगा, जो निकलेगा ज्यादा वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा, इसी वजह से आप देखेंगे आसमान नीला क्यों दिखता है, अभी दिखेगा थोड़ी देर में, क्या समझ में आई बात, ठीक आगे चलते हैं।